जम्मू में सुबह सुबह आज एक हादसा पेश आया जहां पर एक भारी भरकम ट्रॉला जो कि सड़क बनाने का जो मटेरियल लेके आ रहा था वो एकाएक ब्रेक फेल होने की वजह से पनामा चौक में पलट गया। ये वो ट्रॉला है और आप देख सकते हैं किस तरह से क्षति हुई है इस ट्रॉले की। एकाएक ये बिल्कुल इससे जो रोटरी सर्कल है इससे ये टकराया था और ये पलट गया और इस पूरे हादसे में जो ट्रक का चालक है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं जो दूसरा इसका हेल्पर था वो बिल्कुल ठीक है। ट्रक की जो सामने की जो रोटरी से टक्कर हुई थी उसके बाद ये तमाम जो फ्रंट पोर्शन है ये चेसिस आप देख सकते हैं ट्रक की अलग हो गया है, इंजन जो है उससे ऊपर चली गई है बॉडी। ट्रैफिक उस समय ज़्यादा नहीं था तो उस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर हम ट्रक की बात करें PB03X5439 ये ट्रक है और अभी लगभग अब यहाँ पर क्रेन भी आ चुकी है और क्योंकि सुबह का ये हादसा हुआ था तब से ट्रैफिक है जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ बाधित हो रही थी, लेकिन अभी पुलिस के और तमाम बाकी अधिकारी भी यहाँ मौके पर हैं और सभी यहाँ पर इस ट्रक को अभी ये हटाने की कवायद में लग गए हैं। क्रेन भी यहाँ पे लाई जा चुकी है जो कि इस ट्रक को सीधा करेगी। वहीं क्योंकि ये ट्रक जो है नरवाल से आ रहा था ऊपर की ओर से और बिल्कुल इस तरफ से और ये बिल्कुल ठीक इस जगह ये टकराया है क्योंकि सामने का पोर्शन था ब्रेक नहीं लगी और ये पलट गया। ये मटेरियल है जो सड़क में डालने के लिए जो यूज़ होता है, तमाम ड्रम में ये लिक्विड भरा हुआ है। तो भारी के भरकम ट्रॉले का जो एक्सीडेंट आज सुबह सुबह पनामा चौक में हुआ उसमें जो हेल्पर थे जो कि बिल्कुल सही सलामत है हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू मुझे बताओ कि कितने बजे ये पूरा हादसा हुआ था? 4:30 बजे। 4:30 बजे हुआ कैसे था, क्या हुआ? कोई ब्रेक फेल हुई थी, कोई दूसरी गाड़ी सामने आ गई थी, क्या हुआ था? ब्रेक नहीं मार रही थी गाड़ी। अच्छा, ब्रेक फेल हो गई थी। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ जब गाड़ी टकराई तो उल्टी हो गई एकाएक? हाँ, टकराई तो उल्टी हो गई बस। तो आपके जो ड्राइवर हैं वो क्या, वो उनको कितनी चोट आई है? उनको कोई ज्यादा खास चोट नहीं आई, थोड़ी है बस। तो अगले उनकी ड्राइवर साइड वाली बॉडी जो है वो अंदर होगी, क्या वो फंस गए थे बीच में या वो निकल सक रहे थे जब वो चोट लगी थी? निकल गए थे। हाँ। तो अभी ये आपने जो इसमें सामान है ये कहाँ छोड़ना था, ये कहाँ से लाए कहाँ से थे और छोड़ना कहाँ था? ये सामान गुजरात से लाए थे और नरवाल में ही उतारना था, पल्टी करना था ये माल पल्टी करना था। हाँ जी। तो जैसे एक्सीडेंट हुआ पुलिस साथ ही आ गई थी? पुलिस 5-10 मिनट बाद आई थी। 10 मिनट बाद आई। हाँ जी। तो जो आपके ड्राइवर है उनको हॉस्पिटल कौन लेके गया, पुलिस लेके गई थी या कोई और लेके गया था? पुलिस लेके गई थी। तो ये वो हेल्पर हैं जो कि इस ट्रॉले में जो आप देख सकते हैं भारी भरकम यहाँ पर ये क्योंकि ब्रेक फेल होने से ये पलट गया, बिल्कुल सामने इसकी टक्कर हुई थी और जो ड्राइवर हैं वो घायल हुए हैं। अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। वहीं जो गनीमत की बात ये रही कि सुबह का समय था लगभग 4:30 बजे का, तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इस सड़क पर चल रहा है, तो सुबह इतना ट्रैफिक नहीं था जिस वजह से ये ट्रक जो है जब पलटा तो जो ड्राइवर साइड है वो अंदर हो गई और जो ड्राइवर है वो इंजर्ड हो गया। हालांकि जो हेल्पर है वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल ठीक है और ये तमाम ड्रम्स हैं यहाँ पे बिखरे हुए हैं। लेकिन अभी काफ़ी समय हो चुका है, ट्रैफिक भी बाधा हो रही है और पुलिस के अगर हम बात करें यहाँ पर जो अफसरान हैं यहाँ पर मौके पर ये तमाम यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा उसको वो फंसे ना, गाड़ियाँ प्रॉपरली मूव करती रहें, इसलिए ये भी लोग यहाँ पर निगरानी बनाए हुए हैं, चाहे वो ट्रैफिक की बात हो या जम्मू पुलिस की बात हो। लेकिन अभी जिस तरह से ये ट्राला पलटा है तो अब इसको हटाकर ट्रैफिक जो है पूरी तरह सुचारू रूप से चला दी जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि कोई बड़ा हादसा और कोई ज़्यादा लोग इसमें गंभीर नहीं हुए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स जम्मू।